ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम करियर पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह आपको अपना करियर ऑप्ट करना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सही होगी और कौन सी स्ट्रीम सही नहीं होगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर कहा जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि बुध अगर किसी का अच्छा है तो वो अक्सर करियर में काफी ऊंचाइयां प्राप्त करता है, तो ये कितना हद तक ठीक है, ये जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, करियर कौन सा, तो जो नौ ग्रह हैं मैंने बताया ना कि सेकंड, फिफ्थ और टेंथ और थर्ड हाउस, ये चार घर होते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकली समझना चाहते हो तो उनमें क्या ग्रह स्थिति है, वो कैसे देखते हैं किसको और चलने वाली महादशा कौन सी है, उस पे डिपेंड करता है। तो अगर जो आपका जुपिटर और मार्स ऊंचा है तो आप राजनेता बनेंगे, जो अगर आपका केवल मंगल और प्लेटो ऊंचा है तो आप आर्मी में जाएंगे। तो कौन सा करियर, जो बुध से रिलेटेड बात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन में तो बुध का मतलब ही नहीं है, वो तो मंगल प्लेटो और जुपिटर ऊंचा होना चाहिए। लेकिन अगर जो कोई बिजनेस करता है, जो एमबीए करते हैं उनके लिए बुध कारक है, तो जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है वो बुध, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बुध अच्छा होना चाहिए। सारे ग्रह आपके करियर से रिलेटेड है। जैसे अब हम पठन पाठन करते तो हमको जुपिटर का ही अच्छा होना जरूरी था, वो है, बस चला लिया काम हमने। जी निर्मला जी, अभी के एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वैष्णव है सिरोही से, इनके जन्म की तारीख है 27/7/1992। वैष्णव, आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। लगता है कि निर्मला जी कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पाया है। आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों का शुक्र बहुत प्रभावी होता है उनकी कुंडली में, वो मीडिया में काफी अच्छा नाम करते हैं, काफी फेम प्राप्त होता है उन्हें, तो उस बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, सच में शुक्र जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड चीज है, तो ग्लैमर वर्ल्ड की जो चीजें हैं, जो पर्दे के सामने जो हीरो हीरोइन दिखते हैं उनका शुक्र अच्छा होगा तो ठीक है। जो बेचारे तुम्हारे कैमरा मैन और पीछे काम कर रहे हैं उनका तो शनि का होना अच्छा है, तभी वो कैमरे और एंगल ठीक रख पाएंगे। तो मीडिया में क्या काम कर रहा है उससे रिलेटेड, जो ग्लैमराइज चीज है, जो कि दिखने में हमको ग्लैमर लगती है, जो कि सामने होती है, जो मेस्मराइज करती है, वो शुक्र से रिलेटेड है, वो वीनस से रिलेटेड है। लेकिन जो बेचारे उसके पीछे बड़ी मेहनत करके आपको सुंदर बनाते हैं, बिल्कुल, उनका तो फिर शनि अच्छा होना चाहिए, मंगल अच्छा होना चाहिए, और जो स्क्रिप्ट राइटर उसका तो जुपिटर अच्छा होना चाहिए, वो क्या करेगा, शुक्र अच्छा होगा, हाँ शुक्र अच्छा होगा तो वो रोमांटिकली लिखेगा। तो ग्रह तो सारे मायने रखते हैं, हाँ, पर ग्लैमर वर्ल्ड के लिए वीनस का अच्छा होना जरूरी है, उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। जी निर्मल जी, इससे संबंधित एक और सवाल है मेरे पास, लेकिन उस सवाल को लेने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, कुसुम लता जी है झालावाड़ से, इनकी जन्म की तारीख है 19/7/1970। कुसुम लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते। नमस्कार कुसुम जी। हाँ जी, अरे मैं अपने जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ, और ये ना घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम खत्म होते ही दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, बच्चों का भी सेटलमेंट भी बैठता है। कुसुम लता जी, इतना सब जानने के लिए तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के जानिए, मुझसे तो एक दो सवाल पूछ लीजिए। और प्रॉब्लम जो जीवन में आ जाती है तो जीवन का मतलब ही प्रॉब्लम है, उसको फेस फाइट कैसे करें ये जानने के लिए ज्योतिष या पंडित या किसी जानकार के पास जाया जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको बच्चों के बारे में पूछना है तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पढ़ के कुछ एक दो सवाल पूछ लीजिए, जीवन के बारे में तो आप अपनी पर्सनल काउंसलिंग जाके लीजिए। हाँ जी, वो मेरे बारे में कैसा रहेगा सब में, खुद के बारे में जानना चाहती हैं। अच्छा रहेगा, आप खुद को खुश और सिक्योर फील करें, उसके लिए मैं बता देती हूँ कि थर्सडे को आप पीला फल दान क्या करिए, आम या पपीता, ताकि आप बैलेंस जीवन जी पाए और इतने उदास नहीं हो पाए। बच्चे आपके काबिल बनेंगे और हस्बैंड ठीक है, पर मुश्किलें तो थोड़ी बहुत सबको आती है ना। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश जी हैं बांसवाड़ा से, इनकी जन्म की तारीख है 28/1/1981। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ जी अविनाश जी, सवाल पूछिए आप अपना। मेरे गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? 81 लगेगी, लगेगी, पर 31 में बरस में, 31-32 बरस में, लेट है थोड़ा, लग जाएगी। जी निर्मला जी, आपने ये तो बता दिया कि जिन व्यक्तियों का शुक्र अच्छा है उनके लिए नेम और फेम की दुनिया काफी अच्छी रहती है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनके लिए
शनि काफी अच्छा रहता है और काफी प्रभावी होना चाहिए उनके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए निर्मला जी कोई नेम और फेम की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, तो उसका और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो किस तरह वो अपना नाम कमा सकता है, उसे क्या क्या प्रयास करने होंगे, क्या क्या उपाय करने होंगे, वो जानना चाहेंगे आपसे। इसमें ग्लैमर वर्ल्ड में जाने जी बिल्कुल, उसके लिए वो वीनस को प्रोमिनेंट करने के लिए एक तो खुद भी जो चमकीली सफेद चीजें हैं वो खाए, संदेश खाए, बहुत बंगाली मिठाई खाए जी, और उसी का दान दिया करे जी। दूसरे वो हीरा पहने जी, अपने रिंग फिंगर में या मिडिल फिंगर में जी, वो प्लैटिनम में हीरा पहने। दूसरी बात, तीसरे श्वेत सुनहरी वस्त्र जी, उनको प्यार करने लग जाए जी, तो उसमें से चमक जो चमकीली निकलती है वो वीनस सितारे की होती है, तो वो देदीप्यमान मतलब चमकाती है उसके शख्सियत को, तो वो आगे जाएगा उससे जी। निर्मला जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जी हैं जयपुर से। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मैडम नमस्कार, मनोज बोल रहा हूँ। जन्म की तारीख है 6/5/87। और मैडम मुझे ये पूछना था कि पिछले एक वर्ष से मेरी आर्थिक स्थिति डावाडोल चल रही है, इकट्ठा पैसा नहीं आ रहा है मैडम, तो क्या लग रहा है कि ये स्थिति बनी रहेगी या फिर ये स्थिति ठीक होगी मनोज दिसंबर 2 के बाद? पहली बात ये ठीक हो जाएगी, ये टेम्परेरी फेज है, 2 दिसंबर के बाद वापस से ठीक हो जाएगी, फ्लो बन जाएगा पैसे का। और तब तक क्या करें, तो तब तक आप जो है शनिवार और मंगलवार को काले चने और सूजी का हलवा गरीबों को देंगे, तो थोड़ा सा ठीक फील होगा आपको उससे। तो दर्शकों सही सब्जेक्ट लेना आपके भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, और उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको बहुत पसंद आया होगा। निर्मला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उन्हें लाभान्वित करने के लिए नमस्कार। तो दर्शकों आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।